मतलब सच में प्योर हेवन भाई, प्योर हेवन है। देखिए केरोसिन जैसा पानी है इसका। अरे भाई क्या अब ये क्रॉस करके जाना है क्या? हे प्रभु रक्षा, हे प्रभु रक्षा, सीट खत्म, जूता खत्म भाई, सीट। चलो पीछे बैठ के मोटर ब्लॉगिंग करें क्या? ओ भाई ये तो पानी भरने वाला रोड लग रहा है यार। इसको स्लिप करेगा या बिस्किट करेगा यार। चलो 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 चलो, कोई नहीं, निकाल 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 निकाल। पोस्ट ऑफिस जिंदा भाई, यही है क्या? ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, मैप चेक करो, मैप चेक करो एक बार, अगर इंटरनेट आता है तो। ये मेरे को लग रहा है हमने पक्का गलत रोड लिया है, और पूरा आइसोलेटेड रोड है। पता नहीं सालों में भी कोई ये रोड आता है या नहीं। कहाँ है हम लोग यार? इधर ऐसा है भाई, भाई भाई भाई, इधर उधर सर घुमाऊंगा तो भाई कांड हो जाएगा भाई। पीछे का ब्रेक ही नहीं है, नहीं है। बाप रे, ये क्या सिस्टम है फिर? हाँ अभी आया। बाप रे बाप, भाई मेरा फट गया, पीछे का ब्रेक ही नहीं लग रहा था। बोल रहा है 3-4 बार दबाव आ जाएगा। हाँ आ गया भाई। बाप रे, ये क्या सिस्टम है पता नहीं भाई। एनीवे उस बच्चे ने चेन खोला पहले, चेन टाइट वाइट करवाया। कल शाम को हम इधर गए थे दोस्तों से मिलने, अभी इधर जाना है। चेन वेन टाइट करवाया तो भाई उसने क्या टाइट किया पता नहीं, चक्का ही नहीं घूम रहा है पीछे का, अटक जा रहा है, ब्रेक लग रहा है। उसके बाद उसने थोड़ा अलाइनमेंट गलत कर दिया था टायर का, और फिर टायर से हटा के उसने मतलब थोड़ा फिर लूजन अप करके, उसके बाद अभी फिर से मैं लेके निकला हूँ। बेसिकली जिरीकिंटिंग बोल के जो जगह है, खांदुली से भी हम जा सकते हैं। ये 2-2.5 घंटे का ऐसा ही सड़क है, आपको चलते रहना है। अगर मैं अपने होम टाउन से सीधे जाता तो वहाँ से भी मुझे 1-1.5 घंटे ही लगता। वो उमरांगसू रोड पे पानीमूर है, मतलब वो जो नदी है ना, वो नदी का एक साइड डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट है, एक साइड जो है उसका कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है, ऐसा है मतलब। सो इसीलिए एक साइड को पानीमूर बोलते हैं, एक साइड को कोका बोलते हैं। तो बेसिकली आज हम कोका जा रहे हैं। यहाँ से अब होम टाउन पहुँचने में अराउंड 4 घंटे 4.5 घंटे लग जाएंगे आराम से। सो इससे अच्छा है कि हम उसी टाइम में 2 घंटे जिरीकिंडिंग को दे, मतलब उस वाटरफॉल को दे, और 2 घंटे हम वहाँ से घर आने में दे, जिरीकिंडिंग टू हो जाए यानी कि मेरे होम टाउन तक आने में दे। तो वो थोड़ा फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव रहेगा, वरना इधर तो हम कल आ ही चुके हैं, इसलिए उधर जिस रोड से हम कल आए उस रोड से फिर क्या जाना, इसलिए ये नया रोड ट्राई कर रहे हैं। सो अभी तो मेघालय बॉर्डर से हम निकल रहे हैं, उसके बाद जिरीकिंडिंग के लिए कुछ दूसरा रूट है यहाँ पे, पता नहीं कौन सा रूट है, वो पता करना पड़ेगा। कुछ बोट वगैरह हुआ तो ठीक, वरना पता नहीं कहाँ निकल जाएंगे। और ये सब ना, ओ भाई साहब क्या ही है, मतलब पता नहीं मैं प्रांजल, ये आसाम होगा या मेघालय होगा यार? आसाम ही होगा ये, कुछ भी बॉर्डर वगैरह तो कुछ दिख नहीं, क्योंकि मेघालय इधर है राइट साइड में, इधर तो नहीं है, ये तो आसाम ही है भाई। सही है भाई, ये देखिए ये पाइन ट्री है छोटू सा, इसको नया लगाया गया है, पहले बड़े बड़े पाइन ट्री से भरे रहते थे पूरा। सही है भाई, चलिए आगे। एक आदमी नहीं दिख रहा है भाई, ना गाड़ी दिख रहा है ना आदमी दिख रहा है, पूरा आइसोलेटेड रोड है, कुछ नहीं है, बस टर्न से इधर खाई है, बस ऐसे चलते रहो। और तो भाई ऊपर से जो एरिया हम लोग देख रहे थे ना, वो ऊपर से हम लोग आए, ये नीचे ऊपर से कितना भयंकर दिख रहा था भाई, सुंदर, मतलब अभी तो ऐसा लग रहा है अरे कितने जल्दी नीचे आ गए खेत के पास, ऊपर इतना ऊपर से इतना छोटा छोटा दिख रहा था ये खेत। अच्छा ये तो जंगल में जाता है, पता नहीं ये ही रोड होगा। मैप चेक करो एक बार, अगर इंटरनेट आता है तो। क्या है ये, कहाँ से जा रहे हैं हम लोग? ये सही रास्ता है भाई, पता नहीं यार भाई, कुछ भी नहीं है इधर। कितना देर दिखा रहा है भाई, ये तो पूरा जंगल है यार, अंदर जा रहे हैं जंगल के ऐसा लग रहा है मुझे तो, कुछ भी नहीं है यार। हे भगवान, एक तो मैप भी नहीं खुल रहा है। हाँ कितना, 61 यही रोड है? अरे किलोमीटर नहीं, रोड देखो सही है या नहीं यार। हाँ
कहाँ है हम लोग यार? क्या है ये, रिसेंटर करके देखो ना भाई। क्या ही रास्ता है भाई, कुछ नहीं है, जंगल के बीच से बस एक छोटा सा रास्ता निकाल दिया है, पता नहीं शॉर्टकट है। फोन किया था अभी उसको, मैप वगैरह भी देखा, मैप में थोड़ा अटपटा दिखा रहा है पर यही रास्ता दिखा रहा है। ओ भाई घुस गया घुस गया घुस गया। चलो चलो निकालो निकालो निकालो, पूरा जंगल ही है भाई, कुछ भी नहीं है, इंसान गाय गोरू जानवर कुछ भी नहीं दिख रहा है। मतलब जब ये जंगल वाला रोड तो सारा खत्म ही नहीं होता यार, कोई नहीं दिख रहा है कि किसी से पूछे लास्ट 10 किलोमीटर से यार। अब न्यू रूट एक्सपीरियंस करने के चक्कर में ऐसे ही चला रहे हैं यार 20-22 किलोमीटर से, भगवान जाने कब खत्म हो गए जंगल वाला रास्ता, कुछ घर गांव दिखे भाई साहब, ऐसा ही है मतलब। ओ भाई क्या है ये, रास्ता है भी या नहीं यार भाई साहब, अरे भाई साहब। चलो 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 चलो, भगवान जाने यार क्या कर रहे हैं हम लोग। देखिए ना रास्ता है ये, पूरा जंगल के बीच से निकाला है, मतलब फिर भी पक्की रोड तो है, ये पक्का करके रखा है। अब जंगल के बीच में यूजलेस रास्तों को तो पक्का नहीं करेंगे ना। अरे भाई ये तो रोड ही नहीं लग रहा है यार, किधर जा रहे हैं भाई। पूरा आइसोलेटेड रोड है, पता नहीं सालों में भी कोई ये रोड आता है या नहीं। अरे 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 भाई, अरे बाप रे, घुस ना जाए अंदर भाई। चलो 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 निकल गए। अरे यार ऊपर से ये बम्बू, नीचे से ये पेड़ पौधे, अरे पूरा खरोच रहे हैं यार। अब ये क्या है भाई, सर नीचे सर नीचे सर नीचे भाई, निकलो। बाप रे, ये होता है नया रोड एक्सपीरियंस करने का चैलेंज लेने से, यही होता है। पता ही नहीं है अब तो यार, इतने देर रास्ता तो था। अरे 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 अरे, अरे भाई अरे भाई अरे भाई, क्या है ये आगे कैसे जाए बे? हाँ उतर तो देखिए आओ प्रांजल, क्या रिसेंटर प्रांजल। अरे यार यार नीचे तो वाटरफॉल है प्रांजल, हम लोग वाटरफॉल पहुंच रहे हैं कुछ। देखना ये तो ब्लू लाइन है ना, हाँ रोड को कनेक्ट करेगी क्या इधर, ये ब्लू लाइन के पास। चलो चलो देखते हैं, पकड़ो आगे देखो आगे देखो, कुछ है भी या ऐसे ही जा रहे हैं यार। क्या है बे? ओ भाई साहब, ओ भाई ये तो पानी भरने वाला रोड लग रहा है यार, कुछ इनका काम के लिए बनाया गया रोड लग रहा है ये तो। हटो हटो हटो, हाँ अरे यार वो रोशन को फोन करो यार। अरे यार भगवान, ये मेरे को लग रहा है हमने पक्का गलत रोड लिया है, और ये बस पानी वानी भरने का रोड है इनका, असली रोड हमने कहीं पे मिस कर दिया यार, ऐसा तो रोड नहीं हो सकता भाई। मुझे नीचे वाटरफॉल का आवाज़ आ रहा है कहीं से, नदी वदी का, तो मेरे को लग रहा है ये बस नदी वदी जाने का ही रोड है और कुछ नहीं भाई। दोस्त के चक्कर में पता नहीं कहाँ पहुँचे भाई, यहाँ तो रोड ही नहीं है, कहाँ से जिरीकिंडिंग निकलेंगे यार। अरे भाई क्या अब ये क्रॉस करके जाना है क्या? अबे यार भाई साहब, दोस्त ने बोला 2-3 किलोमीटर जंगल होगा, हमें लगा जंगल मतलब नॉर्मल जंगल, ये तो पूरा मतलब भाई उसने जंगल के बीच में ही डाल दिया यार। भगवान बैठे एक मिनट इधर आना। ओ भाई वो तो बोल रहा डाल दो, कैसे डाल दे बे? नो ब्रो यू रियली श्योर नो वी कैन गो?
भाई साहब। हाँ दिस सीधा हाउ मच मोर जंगल यू डोंट नो सो दिस इज जिरीकिंडिंग रोड यू आर श्योर नो ब्रिजेस अराउंड नो दिस इज द ओनली वे। मैं प्रांजल को पहले भेज दिया है जूता वूता उसने खोल दिया है वो जाके देखा थोड़ा प्रांजल देखना तो किस तरफ थोड़ा मिट्टी ज्यादा है कहाँ पे खड्डा कम है वो देखना। ओ भाई साहब पता नहीं अब ये भी करना है मतलब देखता ये देख के बताएगा मुझे कहाँ तक जाना है कहाँ तक नहीं यार किधर से जाना है थोड़ा अगर बोल पाए तो फिर सही रहता। ओ भाई वो जा रहा है प्रांजल वहाँ तक ओके उसी रूट से आने को बोल रहा है बस सीधे चलते हैं भाई। प्रभु अभी इस जंगल से जाना है पता नहीं कितने ही जाना है यार क्या किस्मत। चलो आगे जाओ ठीक है भाई क्या किस्मत यार कहाँ आ गए भाई क्या है ये जगह यार ये इधर से बाइक पार करो उधर जंगल पता नहीं कितना है शॉर्टकट के चक्कर में एडवेंचरस रोड के चक्कर में लोग नहीं दिख रहे हैं मैप काम नहीं कर रहा है यार शिट। चलो चलो हर हर महादेव हर हर महादेव। चलो भाई चलो प्रभु रक्षा चलो हर हर महादेव। जूता तो जाएगा भाई हे प्रभु रक्षा हे प्रभु रक्षा। सीट खत्म जूता खत्म भाई सीट। ओह फक सीट 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 निकाल ओह सीट सीट भाई सीट। अरे भाई ओ भाई ओ भाई प्रांजल ओ भाई चलो कहाँ तक भी घुसा है पूरा यहाँ तक यार। अभी सेट करते हैं निकलते हैं, पता नहीं अभी कितना दूर और रास्ता है यार। चलो भाई भाई साहब हमारे बाद ये भी आ रहे हैं अगर पहले आ जाते तो हमें पता चल जाता कि यहाँ ये रोड जाते हैं बोल के तो हमारे बाद आ रहे हैं तो जनरल नॉर्मली ये रोड क्रॉस करते हैं। अब मैंने पहले कभी ऐसा कुछ किया नहीं है इसलिए मेरा मतलब फटके हाथ में आ गया भाई। अरे वाह आराम से ला लिया भैया आराम से ला लिया सही है। ये नॉर्मली यहाँ पे यही रोड है रोज अप डाउन करने का मतलब दिस इज द रोड। अच्छा नूतन रास्ता बनाई से नहीं गिटार किंतु ना पालू ना हमें हम लोग को तो नहीं मिला। अच्छा अभी रेडी हो रहा है तो आप लोग भी चलेंगे ना अभी आइए आप लोग भी चलिए। भैया बोल रहे हैं ये रेनी सीजन में तो बहुत भयंकर हो जाता है ये शॉर्टकट और काम नहीं आता है। चलो 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 प्रांजल चलो कोई तो साथी मिला। अच्छा इधर से कहाँ जा रहे हैं वे मुझे लगा था इधर से है कि इधर से कहाँ जा रहे हैं। हाँ हाँ अरे भाई क्या है ये ओ भाई साहब कहाँ लेके जा रहा है यार ये सही रोड है या नहीं इनके पीछे पीछे तो लग गए हम लोग भाई पता नहीं जंगल के बीच से पता नहीं कौन सा रास्ता है क्या है भाई रास्ता कौन सा है जंगल कौन सा है समझ में नहीं आ रहा है यार ये क्या ये भी नदी के स्रोत ही है लग रहा है। ओ भाई खींच ले भाई खींच ले भाई ओ भाई साहब ओ भाई साहब एक मिनट भैया यही रोड है क्या यही रोड है तो आगे से ठीक है। अच्छा 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 नूतन बनाए से निके हाँ बोलो 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 सर बोल रहे आगे से तो अच्छा रास्ता मिल जाएगा यहाँ पे ऐसा ही है भगवान। ओ भाई वो नीचे से आए भाई अभी ये और एक है। चलो भाई चलो भाई चलो 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 बैंड बज गया भाई। हाँ शिट ये पूरा रास्ता बन ही रहा है भाई बाद में जो शॉर्टकट अभी हम आए ना नदी होके वो बाद में इधर से आना पड़ेगा और ये नया रास्ता बना रहेगा। वाओ भाई साहब चलो चलो आगे बढ़ते हैं यार चलो क्या लेवल का सलाह दे सकते हैं। ओ भाई हाँ ओ
भाई साहब, निकलो यार। तो ये क्या है फिर यार, अरे स्लिप करेगा यार ये प्रांजल। निकाल निकाल दिया भाई। हे भगवान, उतर उतर प्रांजल, तो ऊपर से निकल जाएगा तो यार। शिट शिट, अरे यार चैलेंजेस तो खत्म ही नहीं होते हैं बे। अरे भाई, अरे निकाल, अरे शिट। ओ भाई, ये पूरा अभी काटा हुआ मिट्टी है यार प्रांजल। ओ भाई साहब, ओ यार निकाल यार। यार अब ये क्या है फिर भाई, साइड से रोड है। और 15 मिनट गुड रोड आफ्टर 15 मिनट्स। चलो बढ़िया भाई, और 15 मिनट झेलना है इसको, उसके बाद हाई फाई रोड। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब निकाल लिया यार भाई ने। चलो 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 चलो, ओ भाई क्या ही है। अरे भाई साहब, ओके भाई क्या है, देखिए इधर बम्बू वम्बू लगा के जुगाड़ करके रखा है भाई, कैसे ही निकालूं इसको। स्लिप करेगा, बिस्किट करेगा यार। चलो 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 चलो, कोई नहीं, निकाल 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 निकाल। चलो चलो चलो, बैठो 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 प्रांस। उधर से ओके। चलो 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 चलो, ओ भाई साहब, अरे निकल भाई। चलो चलो चलो, ऐसे सीजन में कोई रास्ता बनाता है यार। अभी हम लोग को थोड़ा सपाट रोड मिला है यहाँ से, अभी लोकेशन भी मिल रहा है हमें, सही लोकेशन है, और अराउंड 45 मिनट्स दिखा रहा है यहाँ से। अभी जो रास्ता मैं चला के आया हूँ ना प्रांजल, मैं जो रास्ता चला के आया हूँ ना, ये मेरा हाइट है, मतलब इससे गंदा रास्ता मैंने नहीं चलाया, इससे गंदा और इससे डरावना रास्ता मैंने नहीं चलाया है भाई। वो बाइक वाले लोग नहीं होते ना भाई, हम लोग उस वक्त ही गलत लेफ्ट ले लेते, वो ये ऐसे जो चढ़ना था राइट लेना था वो हम लोग समझे नहीं थे, हम लोग उस वक्त ही गलत रोड लेते। इतना देर गलत रोड नहीं लिया था, बट अगर वो लोग नहीं आते तो हम पक्का गलत रोड लेने वाले थे, बच गए भाई। ओ भाई साहब क्या ही रोड है, ये पाइनएप्पल खेती है, सब पाइनएप्पल है ये सब। एनीवे क्या ही रास्ता मिल गया भाई, अभी जिस रास्ते से आए उससे 100 गुना हजार हजार करोड़ गुना बढ़िया रास्ता है भाई ये। थोड़ा ही आ गया है, ऐसा रास्ता आ गया। यहाँ पे क्या बोर्ड था, ये बोर्ड देख रहे हैं, मुझे जाना इधर ही है अभी, पर ये बोर्ड क्या लिखा हुआ है। ये तो पुलिस स्टेशन है इस गांव का, मोकोइलियम पुलिस आउटपोस्ट। ये बोर्ड में क्या लिखा हुआ है, रोड फ्रॉम मोकोइलियम असम टू बराटो मेघालय, टोटल लेंथ 15 किलोमीटर, नॉर्थ ईस्ट रोड सेक्टर डेवलपमेंट स्कीम। अच्छा बस, मतलब वो मेघालय से यहाँ तक 15 किलोमीटर ही है, समझा प्रांजल। अभी हम जा खड़े हैं ना, ये से यहाँ तक 15 किलोमीटर है, और ये रोड यहीं तक बनाया गया है, मतलब आगे नहीं है क्या रोड। ऑफिसर जीरी किंडिंग सीधा। अच्छा वही खराब रास्ता है, मतलब भगवान, मक्खन रोड है बोल रहा था भाई, ये है मक्खन रोड, मतलब ये देखिए ना। अब ऐसे रोड से ये यहाँ तक जो रास्ता बना, ये 15 किलोमीटर शार्प है मेघालय से यहाँ तक, हम जहाँ खड़े हैं यहाँ तक 15 किलोमीटर है मेघालय बॉर्डर से, मतलब। फाइनली प्रांजल थोड़ा चलाएगा, हम बैठेंगे पीछे। हाँ प्रांजल चलो भाई, हाँ चलो चलो पीछे बैठ के मोटर व्लॉगिंग करेगा, चलिए। ये कुछ नया ही होगा पीछे बैठ के मोटर व्लॉगिंग मेरी। अभी ऑलमोस्ट जीरीकिंडिंग से 7-8 किलोमीटर दूर है प्लेन से, बट रास्ता जो मेघालय के बाद जो खराब हुआ है ना भाई, ऐसे ही है ऐसे ही है ऐसे ही चल रहा है, मतलब कंटिन्यू।
रे पूरा धुआं धुआं हो रखा है, ये कहीं ना कहीं जूम कल्टीवेशन या किसी और चीज की वजह से कहीं पे आग लगाया, वो आग फैलते 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 जंगल में सब तरफ जलती रहेगी, वो इसी चक्कर पूरा धुआं धुआं हो रखा था उधर। सो भाई अभी उधर से आए थे, हमें इधर जाना था, हम यहाँ के रुके, थोड़ा पूछा पोस्ट ऑफिस किधर है, तो हमें अब इधर जाना है। अभी प्रांजल से बाइक एक्सचेंज कर लिया, प्रांजल बैग। सो भाई ले लिया ये टर्न, अभी यहाँ से पोस्ट ऑफिस पहुँच के विकास को पिक करके उसके बाद एक यहाँ का वाटरफॉल है वहाँ जाएंगे, उसके बाद यहीं से अपने होम टाउन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक घंटा 15-20 मिनट में पहुँच जाएंगे। थोड़ा सा रास्ता ख़राब है पानीमूर के आसपास, वो वाटरफॉल के आसपास, तो बस वही रास्ता संभालना है। पीछे से आवाज़ दे रहा है विकास, कहाँ है पोस्ट ऑफिस, कहाँ है बे पोस्ट ऑफिस, जिंदा भाई, यही है क्या, अभी किधर जाना है भाई, वाटरफॉल्स कितना दूर है यहाँ से, रास्ता कैसा है, चलो फिर चलो चलो, हाँ नहीं 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 टाइम नहीं है, अभी चले भाई वाटरफॉल की ओर, यहाँ से 5 किलोमीटर है बोल रहे। सो यहाँ से ख़त्म करके फिर इसने घर पे खाना वाना बना के रखा, यार हमें जल्दी निकलना था, कौन समझा है इसको, खाना वाना बना के रखा है, खाना पी के ही खाना खा के ही निकलना है बोल रहा है यार। मैं ये जिरीकिंडिंग भी पूरा मतलब पहाड़ी पहाड़ी लग रहा है, मतलब फिर देखिए ना ये सारा वो जिंजर खेती के लिए है, जो भी एक मतलब कोड़ के रखा हुआ है ना सब जिंजर लगाने के लिए। भाई जंगलों से नाता तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, अच्छा यही है क्या, हाँ ये वही वाला है या दूसरा है, कुछ है तो वो जो जिसमें पिक्चर्स वगैरह लेते हैं सब लोग, वो कौन सा है, आगे है। चल 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 उसमें चल, जल्दी चल, ऑरेंज ब्रिज, अच्छा यहाँ भी वो नीचे जाएंगे तो वाटरफॉल ही दिखेगा, ये भी गाड़ी वाड़ी धो रहे हैं बिंदास यार, पता नहीं भाई कहाँ से पहुँचे ये लोग, हाँ यही है क्या, चलो 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 ऑफ रोड फिर से, इधर नीचे जा रहा है, इधर नहीं जा रहा, इधर गाड़ी वाड़ी सब धो रहे नहा रहे, किधर ले जा रहा है, और नीचे ले जा रहा है क्या, किधर भाई, कितना सस्पेंस में क्यों गाड़ी घुमा रहा है, सीधा उतार, नहीं जाएगा नीचे, इधर ही रख देते हैं फिर क्या, चलो भाई अच्छा इधर से नीचे जाना है, चलो भाई। ओ भाई साहब पहुंच गए नीचे, मतलब ये पिकनिक स्पॉट ही है, ओ हो 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 हो, साउंड सुनिए ना साउंड भाई साहब, वो ऊपर हम लोग ऊपर से फिर इधर घूम के आए, ऊपर वो गाड़ी वाड़ी धोड़े नहा रहे मस्त, इन सबसे ज़्यादा सुकून क्या ही दे सकता है यार, कसम से मज़ेदार यार भाई। चलते वाटरफॉल के पास चलते, पता नहीं आप लोगों को सुनाई देगा यानी, गोप्रो ले जाना नहीं चाहता था मैं, देखता हूँ इसके नीचे जा सकता है क्या। ये रहा देखिए वाटरफॉल भाई, ये पत्थर, ये वाटरफॉल से नीचे बिंदास जा सकते हैं यार, ये भाई साहब क्या है नीचे, पूरा गुफा है, ओ भाई मज़ेदार, चलते हैं इधर चलते हैं, ओ भाई साहब यही पे हो रहा है ऊपर से, ओ भाई साहब यही पे हो रहा है ऊपर से, तो उधर बैठे हुए वो लोग प्रांजल और विकास, ओ भाई सही है भाई, इधर पूरा नीचे गुफा है, ये फोन तो डाल सकता हूँ, अब बहुत पानी है यार, बहुत ज़्यादा, साउंड सुनिए आप लोग, आप लोग को साउंड सुनाई दे रहा होगा पूरा, क्या ही व्यू है मतलब, ओहो हो हो, पानी के नीचे यार, पानी के आगे नहीं, इतनी देर हम लोग इतना इतना झरना गया सब में पानी के आगे से, अभी पानी के नीचे से वीडियो कर रहा हूँ भाई, ये मैं जिरीकिंडिंग वाटरफॉल्स, सही है भाई। तो भाई पूरा वाटरफॉल, अभी विकास के घर, फिर पानीमूर, पानीमूर का रास्ता बहुत ख़राब है यार, वहाँ पहुँचना पड़ेगा डे लाइट में, वरना सारे शॉट्स मिस हो जाएंगे यार। ये विकास का घर, चलो 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 भाई। सो भाई फाइनली खाना पीना हो गया विकास के घर से, वो रहा विकास का घर, नीचे आ गए, ये इसका जिंजर,
हाँ स्टोर रूम, ये इसका पोस्ट ऑफिस उधर। सो बेसिकली प्रांजल बोल रहा थोड़ा सा जिंजर मुझे भी दे दे, घर पे लगाता तो देखते हैं भाई। स्टॉक रूम भाई, सब जिंजर जिंजर जिंजर। ये गोडाउन नहीं कटा, सही है भाई। चलो हो गया भाई, हाँ डाल दे अब उतना। अच्छा ये सब अलग अलग क्वालिटी। ओके झोला ले लिया है भर के भाई। लो लो भाई तुझे बाय 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 बाय। नहीं मैं भी ले लूँगा उसमें से दो चार पीस, हो गया ना भाई। यहाँ से आगे से राइट ना विकास, यहाँ से राइट। ओके सो भाई फिर से विकास के घर से रिटर्न, वाटरफॉल से रिटर्न। इधर से आए थे इस रोड से उस वक्त हम लोग, अभी इधर जाना है। सो अभी मतलब तुरंत हमें जल्दी से जल्दी पहुँचना है कोका पानीमूर, उसके बाद आगे की कार्रवाई भाई। चलिए भाई जीरीकिंडिंग से निकले, फिर से ऐसा ही रोड, टेल कोका पानीमूर, पानीमूर से आगे तो और ही खंडर होगा भाई। जा 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 जा। अरे अरे वो बच्ची है। ओ भाई छोटी बच्ची थी, भले ऐसे ना, भले ऐसे। चलो चलो एवरीवन स्कूटर। अभी उस स्कूटी में पांच आदमी लेके चल रहा है भाई, वो कहाँ से नहीं गिरेगा भे प्रांजल, भगवान। अच्छा पहले इतना ही रास्ता था, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये साइड में बड़ा कर रहे हैं अभी, मजेदार बन जाएगा भाई रोड। दो तीन साल बाद आसाम के रोड, आप किधर भी जाओ बहुत सॉलिड बनने वाले हैं यार। अभी तो भाई साहब यार तब से ऐसे रेंग रेंग के रेंग रेंग के, जिरीकिंडिंग लास्ट गांव से ऐसे रेंग रेंग के ये आ रहे हैं। मतलब अब बस कोका से ज़्यादा नहीं, मेरे हिसाब से एक डेढ़ दो किलोमीटर दूर है, क्योंकि ये जो पेड़ है यही सिंबल है कोका पहुँचने का, पानीमूर हो या कोका यही पेड़ रहते हैं, इसलिए मैं आइडिया लगा रहा हूँ। मैं बोल रहा था ना पेड़ लोग सिम्टम्स आ गए, एक दो किलोमीटर नहीं ये तुरंत ही आ गया। वेलकम टू कोका सारपो पिकनिक, आई डोंट नो टिकट काउंटर है क्या, कोई है क्या, कोई भी नहीं दिखा यार, कोई भी नहीं है, लॉक्ड है वो। चलो सिर्फ सीजन में होता होगा। एनीवे मुझे यहीं से दिख रहा है थोड़ा थोड़ा भाई, अगर गेट में टिकट वगैरह नहीं था तो बोटिंग वगैरह मिलेगा या नहीं पता नहीं। सही है भाई, बाइक कहाँ तक जाएगा यार, बाइक नीचे तक जाएगा शायद, चलते हैं। वो देखिए आगे भाई बोट्स वगैरह तो नहीं दिख रहे हैं, उधर से इधर थोड़ी आएंगे वो बोट। चलो देखते हैं बोट का क्या सीन हो सकता है। आप लोगों को बहुत विंड नॉइज मिल रहा होगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है, गोप्रो ये सेटअप है, इसको अभी मैं खोलना नहीं चाहता। ये पानी का भी साउंड आ रहा होगा, वो भाई इसी ब्रिज से प्रांजल उधर गया है भाई, ठीक ही है, आ सकते हैं वो भाई साहब। और इस तरफ से मैं सिर्फ मतलब दो, ये दूसरी बार आया हूँ उस तरफ से, मतलब डिमासा और साइड से मैं बहुत बार आ चुका हूँ, कोई पंगा ही नहीं है। इधर से ये मैं दूसरी बार आया हूँ मैं। ओ भाई उधर वो वाटरफॉल है, इधर ये देखिए ना, ये इसका तो हालत बहुत खराब है यार। चलो चलो चलो, अरे बीच में बम्बू का सपोर्ट तो है, पानी देख रहे हैं कितना नीला है, ये पूरा फ्रेश, नीचे के पत्थर भी दिख रहे हैं। ये पूरा ऐसे बना रखा है ब्रिज, पहले ये ब्रिज नहीं था एक्चुअली, कनेक्टिंग ब्रिज नहीं था, अभी इसको बना दिया, इसको रेड रिबन मार के रखा है, इसको अलाउड नहीं है क्या। सब तो जा रहे थे यार, हम तो देख देख के आए हैं सबसे। चलो ऐसे पत्थरों से होते हुए आपको इधर चलना है, तो थोड़ा संभल के, ये देख रहे हैं मिट्टी, ये पूरा मिट्टी से भरा हुआ है, यानी कि फ्लड या रेनी सीजन में पूरा फुल रहता है। और बोटिंग का कोई सीन ही नहीं है, बोट चल ही नहीं रहे हैं, अभी सीजन नहीं है, या फिर वीकेंड वगैरह में चलाते होंगे अलग से पता नहीं, बट अभी तो बोट वाले लोग, पहले तो पूरा लाइन लगाना पड़ता था कि आइए आइए मेरे बोट में आइए मेरे बोट में आइए, तो ऐसा कुछ सीन ही नहीं दिख रहा है। बाइक पता नहीं कहाँ वहाँ पे रख के आए हैं हम लोग भाई, मतलब रेनी सीजन में पूरा फुल रहता है ये पानी, अभी पत्थरों में चल रहे हैं हम लोग, वो देखिए असली सामान तो उधर है, चलते हैं। रेनी सीजन में फुल ऑन फुल रहता है भाई ये। ओ भाई थोड़ा रिस्की भी हो रखा है, उधर रहे उधर से आया, पूरा सनसेट का टाइम है यार, चलते जल्दी से निकलते हैं,
बहुत दूर आ गए पैदल चलते चलते यार। मतलब सच में प्योर हेवन भाई, प्योर हेवन है। देखिए केरोसिन जैसा पानी है इसका, पूरा ब्लू ब्लू ब्लू, इतना क्लीन पानी है पहाड़ों से आया हुआ। ये देखिए असली मजा। अरे यार बोटिंग के टाइम में ना वो दूर बोट दिख रहा है आप लोगों को, वो बोट यहाँ तक आते हैं यार, यहाँ तक आके दिखा के ले जाते हैं। ये देखिए क्या ही लग रहा है पानी, देखिए ना कलर पूरा नीला है भाई, पूरा चाउकी रिवर से कम नहीं है भाई। ये पूरा वाइब ऐसा है भाई, पूरा पानी पूरा पूरा ब्लू ब्लू। वो बोट्स आज है ही नहीं यार, वरना जा सकते थे। क्या ही है भाई साहब ये, मतलब क्या ही है ये भाई साहब। ओ प्रांजल मजेदार। एक्चुअली इस तरफ से मेरे पीछे तरफ से डिमासा डिस्ट्रिक्ट बोला था ना, इधर से मैं पता नहीं अनकाउंटेबल टाइम्स आया हूँ, पर उस तरफ से उस पहाड़ से मैं नहीं आया हूँ। मतलब डिमासा डिस्ट्रिक्ट से बहुत पास आया हूँ, बहुत बार आया हूँ एक्चुअली। और यहाँ पे जो है ना ये मेरे होम टाउन से 40-45 मिनट ही है, अभी रास्ता अच्छा बन गया तो 45 मिनट में पहुँच जाता हूँ। पर अभी मैं कहाँ से घूम के आया, अराउंड 300 किलोमीटर घूम के आया हूँ। अब ये कंप्लीट करके मुझे घर के लिए निकलना है। और चलिए अभी फाइनली घर के लिए निकलते, यही था पानी मोर, तो फाइनली आप यहाँ से निकलना है, थोड़ी देर बैठेंगे और निकलेंगे यहाँ से। चलिए सुबह फाइनली पहुँच गए हम लोग, उधर से उस ब्रिज से होके वहाँ तक सेंटर तक गए थे, वो डिमा हाउस ये कर भी आ लो। एंड अब अभी यहाँ से निकलने का समय हो गया है, टाटा बाय बाय। इधर से आए थे हम लोग 300 किलोमीटर घूम के, अब इधर घर कितना, 50-60 किलोमीटर भी नहीं होगा ना प्रांजल, अभी घर 50-60 किलोमीटर भी नहीं है। अरे यहाँ पे एक पबजी वाला ब्रिज था यार, बहुत पहले खतरनाक था, अभी खतरनाक था। यहाँ तो सीआरपीएफ की बैटालियन भी है, एक सीआरपीएफ की बैटालियन का भी कैंप है यहाँ पे, नहीं आसपास में ना। मैं जब पहली बार बस में आया था पिकनिक, वो भी एनसीसी का पिकनिक। दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, पबजी वाला ब्रिज भाई। ये वो एक कोका नदी होके ही, मतलब पानी मोर कोका नदी होके ये पास करते, उसी का मतलब है भाई। ये बहुत खतरनाक है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई ये बहुत मतलब देखिए ना पूरा साउंड करते। ये राइट साइड में इसका ब्रिज बन रहा है नया, पर भाई ये पूरा मतलब ये नीचे ऐसा है हालत, इधर ऐसा है भाई भाई भाई, इधर उधर सर घुमाऊंगा तो भाई कांड हो जाएगा, पूरा हिलता है भाई। ये बचपन से मैं देख रहा हूँ, बचपन में जब एक बार आया था तब भी ऐसा था, अभी भी ऐसा है। हालांकि ये बन रहा है राइट साइड, क्योंकि तो कोका का ही ब्रांच है, कोका ही है मतलब। ओ भाई ओ भाई, साउंड सुन रहे हैं यार भाई, निकलो निकलो निकलो। तो भाई बच गए भाई, चलो। सो गाइज, होप आपको ये पूरा पार्ट आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको, प्लीज एक लाइक एक कमेंट ड्रॉप कीजिए। एंड एज आई ऑलवेज से गाइज, हसल हार्ट सो दैट यू कैन ट्रेवल हार्ट। बूम।